हम लोग झोंके वाला है, रगड़ के फेंक देंगे। आज पूछताछ आज नया हो रहा है। अरे वो तो मुख्यमंत्री रहते भर में फिर शपथ लिया बहुगा है कि जिसने बेच दिया रेल को वही कह रहा हम बढ़िया ही हो। अरे ओकरा धिक्कार है, चुल्लो में पानी में डूब जाओ, डूब के मर जाओ, ओकरा जेल धिक्कार है। ना ना ये सब गलत बात है, ये सब तो यही सब बोलते रहता है ये सब भाजपा वाला। 24 वाला चुनाव आवा दीजिए, भेंट हो जाएगा तब ना। हम लोग जब से होश संभाले हैं तब से सरकार में नहीं रहे हैं, तो मायूस होने का सवाल कहाँ है। अरे खानदानी ना तो हमरे 100 बीघा है, तो ऐसा ना बात है। हाँ बटित पटित छोटा ना होगा, ये भाजपा का एजेंट है ईडी वाला। कल सरकार गिर गई, उससे कहीं भी हम लोग एक बूंद भी एक इंच भी घबराने वाले नहीं है। कि जिस दिन ये सरकार में थे बैठे हुए तो उस दिन बीजेपी वाला तो कुछ किया नहीं, जैसे विपक्ष में आया तो आज ही सारा चीज कर लिए। में जब भाजपा आएगा ना तो इससे बड़ा पूछताछ होगा। देखिए ईडी कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं, अंदर लालू यादव से पूछताछ चल रही है और बाहर राजद के तमाम कार्यकर्ताओं में एक मायूसी है। मायूसी इस बात की है कि लगभग 3 घंटे से पूछताछ चल रही है और लालू यादव बीमार चलते हैं। सबको पता है लालू यादव को परेशान करना, ईडी जो है सब भाजपा के एजेंट बन के काम करती है। गांव ग्राम टोला मोहल्ला पास पड़ोस इलाका पिछड़ा दलित गरीब गुरबा संख्यक अकलियत सबको पता है कि भाजपा का एजेंट है ईडी वाला। कल पलटी मारा इधर और इधर आज देखिए खेला कर दिया, सरकार गिरी और इधर पूछताछ। सबको पता है लेकिन जनता मालिक तैयार है, तो इनको हिसाब कर देगा। कह रही है ना कि नौकरी दी गई सरकारी नौकरी रेलवे में और फिर उसके बदले जमीन ली गई। सवाल किया गया सब जवाब मिल गया इनको, लेकिन फिर भी खाली तंग करना है, बीमार आदमी को परेशान करना। 5 साल हमने रेलवे चलाया बिना घाटा के और बिना किराया बढ़ाए और रेलवे को फायदा दिला दिया, जिसने बेच दिया और जिसने बेच दिया रेल को वह कह रहा हम बढ़िया ही हो। तो दुनिया जानती है, पब्लिक जानती है कि किसने क्या काम किया। लेकिन कहा तो जा रहा है कि जमीन ली गई, विज्ञापन भी नहीं निकाला। कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है, कहता था 15 लाख देंगे, बाद में कहा जुमला हो गलो। वो तो बताइए आप लोग, इसलिए इसके फेरा में नहीं रहना। ये लोग बहुत सारा खेल खेलेगा और गरीब के नेता को गरीब के आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं कुछ नहीं है, और कहीं कुछ नहीं। जनता मालिक सब तैयार है, जनता मालिक सब तैयार है। तो देखिए ये ईडी कार्यालय है और इसके अंदर लालू यादव से पूछताछ चल रही है और बाहर जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक मायूसी है। मायूसी इस बात का है कि परेशान किया जा रहा है और हताश है कार्यकर्ताओं को, अगर आप देखें तो हताश है, निराशा है मन में कि भैया परेशान किया जा रहा है। कहाँ से आए हैं भैया? हम बेटा से आए। बेटा से आए हैं, क्या लग रहा है, क्या हो, क्या लगेगा? क्या लालू जी झुकने वाले हैं? झुकने वाले नहीं, झुके वाले। लालू जी झुके वाले हैं? नहीं झुकेंगे, झुके वाला ना, पैर पकड़ वाला नहीं। कि लालू जी लिए हैं जमीन, जमीन लिए हैं लालू जी? कहाँ जमीन लिए हैं लालू जी? कह रहा है कि रेलवे में नौकरी दिए उसके बदले जमीन। ये सब सब झूठा बात है, इसीलिए ना पूछ। अटल पटल पढ़ा रहा है सब। हाँ वह सब ओके फेर में रहिएगा तो आप भी पागल हो जाइएगा। वह सब आदमी है। अच्छा, इसी मामले में तो पूछताछ हो रहा है। अरे पूछताछ करने दीजिए, वो सबका काम नया कर रहा है। हम लोग झुके वाला है, रगड़ के फेंक देंगे। 24 वाला चुनाव आवा दीजिए, भेंट हो जाएगा तब ना। हाँ कल सरकारों गिर गया। अरे सरकार गिर गया? सरकार गिरा कहा? अरे वो तो मुख्यमंत्री रहते भर में फिर शपथ लिया बहुगा है कि आदमी है, वो आदमी है। अरे ओकरा धिक्कार है, चुल्लो में पानी में डूब जाओ, डूब के मर जाओ, ओकरा जेल अधिकार है। हाँ आप जाके सरकार बना लेते हैं? हाँ मैं, अरे हम तो बनाए थे ना कि चाचा भतीजा थे, फिर आप बना लिए। अरे चाचा देखिए इनको ये ठीक नहीं लगा, भतीजा शांत दिमाग के थे तो सब बात उनका सुनते गए, भतीजा तो ठीक नहीं लगा। अब ये दू गो है, अब दोनों इनको लगा के अब फाड़ देगा बीचे बीचे, बगड़िया वाला से भेंट हो जाएगा ना। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी इसलिए बना लिए क्योंकि बिहार से सांप्रदायिक ताकतों को रोकना था। सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के चलते हमारे नेता ने तिलांजलि दिया। हम जानते थे, हमारे नेता जानते थे कि आने वाले समय में ये फिर से मांगेंगे, लेकिन जो वादा जो भरोसा उन्होंने बिहार के जनता से पिछले विगत 2020 के जो चुनाव में किया था रोजगार देने का, उन सभी रोजगार को पूरा करने के लिए आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर सर्वे करा करके जातीय जनगणना कराने के लिए और जो आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का जो वादा किया था, भरोसा दिलाया था अपने मैनिफेस्टो में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, उसको पूरा करने के लिए उनके साथ गठबंधन में गए थे। अरे आज पूछताछ आज नया हो रहा है। अरे आज नया जमीन लिए हैं कि नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं लिए हैं। इस तरह का देखिए इस तरह लिए हैं कि नहीं? एक मिनट पहले सुन तो लीजिए, आज ही नया चल रहा है, आपको पता है कि नहीं? आज नया चल रहा है, बताइए कितने दिन से चल रहा है। एक ही आदमी को पूरे देश में
केवल और केवल जितने विपक्ष के लोग हैं वही भ्रष्टाचार करने वाले हैं, घोटाला करने वाले हैं। और नरेंद्र मोदी का भाजपा में इतना दिन से शासन चल रहा है, उन लोग सब भाजपा एक भी भ्रष्टाचारी नहीं है। एक ही आदमी को बार बार ईडी, बार बार सीबीआई। एक ही आदमी को कहा जाता है कि चारा चुरा लिए, एक ही आदमी को कहा जाता है कि जमीन ले लिए सरकारी नौकरी दे के। कुछ प्रूफ हो रहा है, कुछ प्रूफ हो रहा है? जेल में खटकर जेल में खट कर क्या है, तो कुछ नया निकल रहा है? उसमें तो कर करके चले आए, उसमें तो करके चले आए, इधर इधर नया कुछ बताइए। अब उसी केस में जिसमें वो सजा काट लिए हैं, उसके बावजूद भी अभी भी और ऊपर के कोर्ट में उनको जाना है, गए हुए भी हैं, वहां से भी जो होगा, जो होना है, जो हो करके आएगा, तो नया नया मामला कहाँ से चला रहा है? बार बार गिर गई, पूछताछ कल सरकार गिर गई, उससे कहीं भी हम लोग एक बूंद भी एक इंच भी घबराने वाले नहीं है, उल्टा। अरे सुनिए तो हम लोग मायूस होते हैं आज आज नए, जब से हम खास करके हम लोग नए आरजेडी वाले हैं, हम लोग जब से होश संभाले हैं तब से सरकार में नहीं रहे हैं, तो मायूस होने का सवाल कहाँ है? जनता के सवाल को पूरी मजबूती से जनता के बीच में उठाते रहेंगे, हमारे नेता भी उठाते रहेंगे, और हम लोग बतौर कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग भी उठाते रहेंगे। और आने वाले समय में नीतीश कुमार से पूरी मजबूती से पूछेंगे कि जो रोड मैप और जो विजन हमारे नेता ने बना करके गया है, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिससे लोगों को ये शिक्षकों की बहाली हुई है, जिससे आरक्षण के दायरों को बढ़ाया गया है, जिसमें दलितों शोषितों बच रहे हैं, वो तो नीतीश कुमार कर रहे हैं। क्रेडिट लिए इसलिए हम सरकार गिरा दी, क्रेडिट ले रहे थे, कर तो हम रहे थे। 17 साल से वो सत्ता में थे, 1 मिनट, 17 साल से वो सत्ता में थे। जिस समय हमारा सरकार बना, उस सरकार के कुछ दिन पहले पूर्व तक नीतीश कुमार जी कहते थे कि कहां से रोजगार दोगे, कहां से पैसा लाओगे। और जब हमसे गठबंधन हुआ, राष्ट्रीय जनता से दल से गठबंधन हुआ, तो हमारा नेता का ही विजन था, हमारे नेता का ही रोड मैप था, जिसके तहत वो बाध्य हो गए और तुरंत रोजगार देखे ना कि चालू हो गया आने आते के साथ ही। तो समझिए कि किसका देन था। तो जब हमारा देन था, हमारा मंत्रालय, हमारे पार्टी का मंत्रालय, हमारे मंत्री, और उन्हीं मंत्रालयों में जब इतना बड़ा रोजगार आया, उन्हीं मंत्रालयों में जब काम हुआ, तो क्रेडिट क्यों नहीं लगा भाई, क्यों नहीं लगा? बिल्कुल, क्या लगता है लिए हैं लालू जी जमीन नौकरी के बदले? ना ना, ये सब गलत बात है, ये सब तो यही सब बोलते रहता है ये सब भाजपा वाला। पूछताछ हो रहा पूरा एकदम। अरे वो तो पूछताछ आज से हो रहा है, जो पूछताछ करना है वो एक ही बार कर लेना, तो बेरम बेर जब आता है, चुनाव आए जब कुछ भी आए, बेरम बेर क्या जमीन लिया है, ये लिया है, वो लिया है, ये सब कोई बात नहीं है। जमीन नहीं लिया है कुछ, नहीं लिया, झूठ मूठ बकत रहता है सब बीजेपी वाला। मैं कह तो रहा है कि रेलवे में नौकरी दी है, जमीन ले ली है, वो जदू कहानी खत्म है, वो खत्म है कहानी, जदू खत्म है। नीतीश कुमार भीख मांगा थे, चाऊ का मांगी चलता थे, जैसे सिखा रहा है, खानदानिया रहा है, है। अरे खानदानी ना, तो हमरे 100 बीघा है, तो ऐसा ना बात है। हाँ, बटित पटित छोटा ना हुआ है ये। हाँ, अच्छा, मतलब जमीन उमीन नहीं ना ना, ये सब जो खानदानी था वो है, अब खत्म नहीं होगा। हाँ। जो खानदानी है बेच बेच के खत्म कीजिएगा, काहे खत्म कीजिएगा, का जरूरत है, बाप दादा बना दिया होगा, बेच दीजिएगा, ऐसा ना बात। क्या लगता है जमीन उमीन लिए है कि नहीं? नहीं लिया है। क्या लगता है सर? क्या बोले, जमीन लिए हैं कि नहीं? लगे नहीं, जमीन कहाँ लिए हैं? कैसे आरोप लग गया, पूछताछ हो रहा है? आरोप तो अब आपको भी पता है कि जिस दिन ये सरकार में थे बैठे हुए, तो उस दिन बीजेपी वाला तो कुछ किया नहीं, जैसे विपक्ष में आया तो आज ही सारा चीज कर लिए। समन तो लगातार आ रहा था पूछताछ के लिए, वो तो सारा लोग को न्यायालय पे भरोसा है। हाँ। और उनको सारा चीज न्यायालय से मिला भी। आपको नहीं लगता कि लालू जी जमीन लिए हैं? नहीं, भरोसा है, भरोसा है। हाँ। भरोसा है तब तो आज खड़ा है, इतना पूछताछ का है, भरोसा है तब तो आज पूछताछ का है। अरे पूछताछ करने दीजिए ना, करके क्या करेगा? बीजेपी का विपक्ष में जब भाजपा आएगा ना, तो इससे बड़ा पूछताछ होगा, इससे बड़ा पूछताछ होगा। और जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, जेल में चल गया है, ठीक उसी प्रकार का नौटंकी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। लगता है उससे नीतीश कुमार चलेगा, नीतीश कुमार जी आज नया हमारे साथ नहीं रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन तो नीतीश कुमार ने बनाया, इंडिया गठबंधन केवल उनसे चलता है। विपक्ष को एकजुट किए ना, किए तो किए, चले गए आज, उनको लगा कि प्रधानमंत्री हम नहीं बन सकते हैं, यहाँ तो चले गए। तो एक आदमी के आने जाने से कहीं कुछ शुरू हो जाता है। नीतीश जी बड़े नेता, अरे भाई गांधी जी चल गए, देश को आजादी दिलवाए थे, देश नहीं चल रहा है, देश चल रहा है, चलेगा
ठीक ढंग से चलेगा, इंडिया गठबंधन बिल्कुल निश्चित रूप से। और आने वाले समय में, आने वाले समय में बिहार में आपके माध्यम से बता देते हैं कि नीतीश कुमार जी का इतना विरोध था, इतना आक्रोश था लोगों के बीच में कि आज जब हम लोग आ रहे थे जहानाबाद से चल करके, तो हम लोग को पता चला, ट्रेन से हम लोग आए हैं और ट्रेन के सफर के माध्यम से जब पता चला तो सारे लोग उन पे काफी खफा हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के प्रति सभी लोगों की, सभी जाति धर्मों के लोगों की पूरी सहानुभूति है। और आने वाले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, वो सहानुभूति वोट में तब्दील होगा और हमारे नेता जीतेंगे और हमारे पूरे पार्टी के जितने भी सांसद जो इस चुनाव लड़ेंगे वो सभी जीत करके आएंगे। तो चलिए देखिए, ईडी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं की एक भीड़ है और भीड़ में ये निराशा भी है और एक तरह का ये भी है कि नहीं, लालू यादव ने कुछ नहीं किया है। कार्यकर्ताओं के अंदर ये भरोसा है कि लालू यादव ने बिल्कुल ही जमीन नहीं लिया, बल्कि उनको परेशान किया जा रहा है। सामने ईडी दफ्तर है और ईडी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं की एक भीड़ है और उस भीड़ का ये भरोसा है कि लालू यादव को परेशान किया जा रहा है और ये परेशान भारतीय जनता पार्टी कर रही है ताकि लालू यादव को झुका सके और उसके बाद 2024 और 25 को जीत सके। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।